क्या आप चाहते हैं कि आप किसी खूबसूरत हसीना से शादी कर लें और इस लालच से आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी खूबसूरत लड़की को मैसेज करते रहते हैं, या कभी आपके ही किस्मत का सितारा चमक जाता है और आपके पास किसी खूबसूरत लड़की का मैसेज आता है, आप तुरंत उस मैसेज को खोल कर देखते हैं और आप उस लड़की से बातचीत करने लग जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी और आप सोचेंगे कि आखिर ये हो क्या गया। दरअसल एक ताजा मामला मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आया है। कहानी लुटेरी दुल्हनिया की है, लुटेरी दुल्हनिया जिसके ढेर सारे नाम है। इस मामले में उस लड़की का नाम ज्योति है। ज्योति रविरंजन को फेसबुक पर मैसेज करती है, हाय। मैसेज का जवाब तुरंत रविरंजन दे देते हैं और ऐसे दोनों की बातचीत होने लग जाती है। बातचीत यहाँ तक आ पहुँची कि रविरंजन को ज्योति से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम शादी करेंगे। रविरंजन के घर में आकर ज्योति रहने भी लग गई, जिसके बाद ये तय किया गया कि दोनों पहले सगाई करेंगे और उसके बाद ज्योति सीधे अपने घर जाएगी, घर वालों को मनाएगी और अपने पापा मम्मी को कहेगी कि पिताजी माताजी मुझे रविरंजन से शादी करनी है, हमने एंगेजमेंट कर ली है। यहाँ तक पूरी प्लानिंग ज्योति ने बिल्कुल अच्छे तरीके से की थी, लेकिन जब मामला सामने आया तो सब हैरान रह गए। मामला ये था कि ज्योति एक फ्रॉड लड़की थी, जिसके पास दो दो पहचान पत्र थे, दो दो आधार कार्ड थे। सबसे पहले ज्योति ने बताया कि मैं एम्स में डॉक्टर हूँ। रविरंजन ने भरोसा भी कर लिया, प्यार अंधा होता है और इस अंधे प्यार में रविरंजन ने सोचा कि चलो बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर से मेरी शादी हो रही है। कुछ समय बीतते हैं, उसके बाद ज्योति रविरंजन के पास आकर कहती है कि सुनो मैं डॉक्टर तो हूँ ही, लेकिन मेरा सिलेक्शन UPSC में भी हो गया है, अब मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ। रवि गदगद हो गया। रविरंजन ने कहा कि चलो ये तो और भी अच्छी बात है, अभी तक तो ज्योति केवल एक डॉक्टर थी, लेकिन अब तो ज्योति IAS ऑफिसर हो गई है। दरअसल ज्योति ने किया क्या, ज्योति एक फर्जी डॉक्टर की डिग्री ले आई और रविरंजन को दिखा देती है। उसके बाद कुछ समय बाद ज्योति एक पेपर कटिंग लाती है, जहाँ पर बिना नाम के ये लिखा रहता है कि फला फला ने UPSC पास कर ली है, और इस पेपर की कटिंग को रविरंजन को दिखा देती है और कहती है मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन ये मेरे बारे में ही छापे हैं, मैंने ही UPSC पास कर ली है और मैं सेलेक्ट भी हो गई हूँ। रविरंजन गदगद हो गया। रविरंजन को कोई ऐतराज नहीं हुआ कि ज्योति बिना शादी किए रविरंजन के घर में रहने लगी। कुछ समय बीते और तब ज्योति ने ये आरोप लगाया रविरंजन के परिवार वालों पर कि मेरे साथ मैंने ढेर सारा जेवर लेकर आया था और ये जेवर चोरी हो गए हैं। रविरंजन के परिवार के खिलाफ ज्योति ने FIR भी दर्ज करवा दिया और उसके बाद ये पूरा प्लानिंग चल ही रहा था। ज्योति ने पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन अचानक से रविरंजन का मन हुआ कि ज्योति के सामान चेक किए जाए। रविरंजन ने देखा कि वहाँ पर दो दो आधार कार्ड रखे हुए हैं। रविरंजन सोचने लग गया कि आखिर ये कैसे हो गया। रविरंजन सीधे पुलिस के पास जाता है और पुलिस को कहता है कि देखिए साहब, मेरे पास एक लड़की मेरे घर में आके रह रही है, फेसबुक से उससे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसके बाद उसके सामान से दो आधार कार्ड निकले हैं। पुलिस रविरंजन के घर पहुंचती है तो ज्योति बड़ी शातिर खिलाड़ी निकली। ज्योति ने अंग्रेजी में ढेर सारी बातें कही, उसने पुलिस को ये विश्वास दिला दिया कि सचमुच में ज्योति एक IAS ऑफिसर है, UPSC पास कर चुकी है। उसके बाद पुलिस हक्की बक्की रह गई, पुलिस पूरी तरीके से ज्योति पर विश्वास कर ली। लेकिन तभी अचानक से रविरंजन ने दो पहचान पत्र वाली बात बताई, उसने कहा कि देखिए इसके पास दो पहचान पत्र हैं। उसके बाद पुलिस को थोड़ा साहस आता है, पुलिस छानबीन करने लगती है और पता चलता है कि अरे ये तो फर्जी दुल्हनिया है, फर्जी दुल्हनिया ने रविरंजन को बेवकूफ बनाकर इतने दिन रखा। दरअसल ज्योति चाहती ये थी कि उस घर में रहकर ज्योति रविरंजन के पूरे जायदाद को ले ले। रविरंजन के घर में जितने पैसे थे
जितने जेवरात थे उस जेवरात को लेकर ज्योति फरार हो जाए, लेकिन इसी बीच ज्योति की चोरी पकड़ी गई। ये लुटेरी दुल्हनिया रविरंजन को नहीं लूट पाई। ये पूरा वाक्य सामने आया है और इस खबर के बाद वो दिलफेक आशिक जो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़कियों को मैसेज करते हैं, ये चाहत रखते हैं कि कोई एक सुंदर सी लड़की को मैसेज करें, बातचीत करें और उसके बाद उससे शादी भी हो जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, आपके साथ भी ऐसी लुटेरी दुल्हनिया वाली कहानी हो सकती है। आपके पास वो दुल्हनिया आएगी और आपको लूट के चली जाएगी, क्योंकि सबकी किस्मत रविरंजन जैसी नहीं होती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।